26 जुलाई 2023 को लोकसभा ने कंट्रोवर्शियल फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पारित किया। विपक्ष मणिपुर के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा था। सदन में वाद विवाद और शोर शराबे की स्थिति बनी हुई थी। इसी बीच ये विधेयक कब आया और कब पारित हो गया पता ही नहीं चला, यानी कि बिना चर्चा के विधेयक पास कर लिया गया। और यही वजह है कि इसके बारे में विस्तार से जानना हमारे और आपके लिए जरूरी है। अब ये बिल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है या किस कानून में अमेंडमेंट करता है, क्या अमेंडमेंट करता है, ये अमेंडमेंट्स वनों के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर क्या असर डालेंगे, आदिवासियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार ये बिल क्यों लेकर आई और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब आसान शब्दों में आपको देते हैं। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार बिहार की राजनीति में बड़ा फिर बदल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आसान शब्दों में ये समझ लेते हैं कि यह किस कानून में अमेंडमेंट करता है, क्या अमेंडमेंट करता है और क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। बेसिकली जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में जो लागू किया था उसका एक ही उद्देश्य था कि जो हमारे फॉरेस्ट नष्ट हो रहे हैं उनकी गति कम की जाए। और वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एकदम सिंपल एक्ट था। उस समय 4 क्लॉज थे, 1 पेज का एक्ट था और उसमें सिर्फ ये लिखा था कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट को फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए यूज करना है, वापरना है, तो उनको MOEF की परमिशन देनी पड़ेगी। और 12 दिसंबर 96 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है सिर्फ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट पे लागू नहीं होगा, जो भी फॉरेस्ट एरिया है जो डिक्शनरी मीनिंग के मुताबिक उसको फॉरेस्ट माना जा सकता है उसके ऊपर भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू होगा। अभी ये जो बिल जो लोकसभा में पास हुआ था उसमें ये काफी कुछ डाइल्यूशन डाले गए हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि जो भी डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं 100 किलोमीटर बॉर्डर के लिमिट के अंदर उनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू नहीं होगा। दूसरी बात है कि 10 हेक्टेयर जमीन के लिए वहां पे उनको जो भी किधर भी फॉरेस्ट एरिया में काम करना है वो अलाउड है। तीसरी बात है कि उन्होंने बोला है कि एक्टिविटीज सच एज जू बनाने का या इको टूरिज्म फैसिलिटीज बनाने का। और चौथी बात है उन्होंने बहुत ही एक डेंजरस क्लॉज डाला है कि जो भी प्लॉट पॉइंट रेलवे लाइन या रोड हाईवे से कनेक्टेड है वो 0.1 हेक्टेयर ऑटोमेटिकली डाइवर्ट कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग टू गवर्नमेंट फॉर परमिशन। तो ये सब डाइल्यूशन अगर राज्यसभा ने भी अप्रूव किया बिल को तो माने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत वीक हो जाएगा और बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये बिल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में अमेंडमेंट करता है। ये बिल 29 मार्च 2023 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। मार्च में बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेजा गया। JPC ने मई में सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए। फिलहाल अंत में पैनल ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए गए सभी अमेंडमेंट्स को मंजूरी दे दी, जबकि JPC में 4 विपक्षी सांसदों ने इस पर असहमति जताई थी। अब ये समझ लेते हैं कि ये संशोधन यानी अमेंडमेंट्स वनों के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर क्या असर डालेंगे और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि अगर हमको फॉरेस्ट बचाना है तो हमको बड़े बड़े पैचेस चाहिए फॉरेस्ट के, राइट? बट अगर आप ये जो छोटे छोटे एनक्रोचमेंट को आप सब जगह रेगुलराइज करेंगे या जैसे 0.1 हेक्टेयर का जो मुद्दा मैंने आपको बताया था अगर वो सब जगह अलाउ करोगे तो कुछ फॉरेस्ट तो बचा ही नहीं रहेगा। जो अगर टाइगर को जो 1,000-2,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो अनडिस्टर्ब एरिया चाहिए वो तो कहाँ पे भी नहीं मिल पाएगी। एक बार रोड बन जाता है तो आप जानते हो लोग चले जाते हैं वहाँ पे, डिस्टर्बेंस होता है, फिर वहाँ पे झाड़ की कटाई और बढ़ जाती है, वहाँ पे नए एनक्रोचमेंट्स आ जाते हैं। तो ये पूरा डोमिनो इफेक्ट जो हम बोलते हैं जिसकी वजह से तो होने ही वाला है जी। तो सर जो मैं समझ पाया वो ये कि माना कि अगर 1 किलोमीटर के एरिया में फॉरेस्ट है और बीच में से रोड निकल रही है, अगर आप उसके इर्द गिर्द थोड़ा कुछ मीटर के लिए अगर आप कंस्ट्रक्शन अलाउ कर देते हैं तो एक हिसाब से आपने उस पूरे एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो भले ही वहाँ पे ट्रीज हों लेकिन वो ओवरऑल उसका एरिया जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है ना। तो अब जो उसको जी तो जो वाइल्ड फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं जी, तो जो वाइल्ड लाइफ है उनका आवश्यकता इस बात की है कि वो बड़ा सा लैंड उनके लिए अनडिस्टर्ब रहे, ना कि ऐसा हो कि अलग अलग पैचेस में हमारे पास बहुत सारे लैंड है लेकिन एक यूनिफाइड बड़ा लैंड अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि अगर एक बार रोड बन चुका है और
घर बन चुका है, राइट। घर में तो फिर रात को लाइट जलेगी, लोग टीवी देखेंगे या रेडियो सुनेंगे या मोबाइल पे गाना सुनेंगे या जो भी है, वो भी तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है वाइल्ड लाइफ के लिए, राइट। नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन वगैरह। और अगर रोड पे गाड़ी चलती है तो फिर रोड क्रॉस करना भी उनके लिए डेंजरस हो जाता है। हम देख रहे हैं कि हाईवे पे टाइगर मरे जा रहे हैं, लेपर्ड मरे जा रहे हैं, चीतल मरे जा रहे हैं, वो रोड की वजह से। तो ये सब चीज पे ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि ये बिल राज्यसभा में नहीं पास होना चाहिए। यानी वनों के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए भी वनों की उपलब्धता में कमी आएगी और कहीं ना कहीं जल, जंगल और जमीन की लड़ाई और तेज होगी। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह बिल यदि कानून बन जाता है तो वह कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डेंसिटी यानी वनों की सघनता पर भी असर डालेगा। और उसका क्या असर होगा? अगर फॉरेस्ट डेंसिटी भी कम हो रही है, अगर फॉरेस्ट डेंसिटी सपोजिंग 0.6 या 0.7 है और वो डेंसिटी 0.3 या 0.4 हो जाएगी, तो वो सब चीजें भी इम्पैक्ट होती है बायोडाइवर्सिटी पे, एनवायरमेंट पे, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी पे वगैरह वगैरह। तो फॉरेस्ट भी बचाना जरूरी है, बट गुड क्वालिटी फॉरेस्ट भी होना बिल्कुल जरूरी है। अभी एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हम ऑफिशियली भी सपोजिंग 1,000 acres फॉरेस्ट डाइवर्ट करते हैं परमिशन लेके बाय द माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए या डैम बनाने के लिए, सपोजिंग 1,000 acres का हम एप्लीकेशन करते हैं जी। और वो एप्लीकेशन मंजूर करता है MOEF, बट वो स्टैटिस्टिक के हिसाब से वो स्टेटस ऑफ द लैंड स्टिल रिमेन फॉरेस्ट, हालांकि वो पूरा माइन हो चुका है या पानी में डूब गया है, बट ऑन पेपर दैट 1,000 acres वो फॉरेस्ट ही दिखाया जाएगा। तो स्टैटिस्टिक के हिसाब से वो फॉरेस्ट है, बट एक्चुअली आप जाओगे तो वहां पे कुछ नहीं दिखाई देगा, झाड़ वाड़ सब नष्ट हो जाएंगे। यानी तो ये स्टैटिस्टिक के ऊपर रिलाई करने से बहुत ही खतरनाक चीजें, वी आर देन अंडर रिपोर्टिंग जितना फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। कई आलोचकों का यह भी कहना है कि यह बिल कहीं ना कहीं बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में ज्यादा और वन संरक्षण के पक्ष में कम है। नहीं तो कॉर्पोरेट लॉबी को अभी तो फायदा होगा, क्योंकि ये बेसिक जो लॉजिक है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की, भूपेंद्र यादव जी की, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो कॉर्पोरेट लॉबी को जितना भी कंट्रोल से आप निकालोगे, दैट इज द एम ऑफ दिस रिलैक्सेशन ऑल्सो। बट जैसे मैंने आपको बताया, डिस्ट्रक्शन कोई भी कर रहा हो, वेदर इट इज कंपनी, वेदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वेदर इट इज एनक्रोचमेंट, मेरे हिसाब से ये तीनों चीज रोकना बहुत ही जरूरी है। जो भी हमारे फॉरेस्ट बचे हैं उनको बचाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विदाउट द फॉरेस्ट दिस कंट्री विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। हमारा सब पानी फॉरेस्ट से ही आता है, सिर्फ वाइल्ड लाइफ बचाने का मुद्दा नहीं है कि अगर फॉरेस्ट बचाओ तो टाइगर बचेगा, फॉरेस्ट बचाओ तो मेरे ख्याल से देश को पानी ही मिलेगा। और क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सट्रीम गर्मी हो रही है, अपनी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ते जाने वाली है, कम नहीं होगी। जैसे आबादी बढ़ रही है तो हमारे वाटर रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होंगे, और अगर हम फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करते रहेंगे तो जितना पानी देश को मिल रहा है वो भी बहुत कम हो जाएगा। और अंत में ये समझ लेते हैं कि सरकार वन संरक्षण, प्रदूषण को रोकने और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो ग्लोबल गोल्स हैं उनको लेकर कितना सीरियस है, और इस बिल के पास हो जाने से उस पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, एक लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमको हमारा पर्यावरण बचाना है, राइट जी। वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और CO2 एमिशन और जो भी इंटरनेशनल कमिटमेंट जो देश में लागू किए गए हैं या एप्लीकेबल किए गए हैं उसका उदाहरण करना है, राइट, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी जो पर्यावरण मंत्री है, उनको शायद पता नहीं प्रधानमंत्री का आदेश क्या है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो डायलेशन कर रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बहुत बुरी तरह से असर होगा। क्योंकि अगर हमारे फॉरेस्ट एरियाज को हम नष्ट करेंगे, हमारे ट्रीज को काटेंगे, तो ट्रीज और फॉरेस्ट में तो कार्बन सिक्वेस्टर होता ही है, और एक बार झाड़ कट गए और जंगल कट गया तो जो भी कार्बन है वो तो हवा में तो वातावरण में तो चला जाएगा। तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक तरफ से जो गवर्नमेंट चाहती है क्लाइमेट चेंज की तौर से, और दूसरी तरफ से जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल में जो करना चाहती है वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। ऐसे में सवाल ये है कि यह बिल हमारे वनों के संरक्षण के लिए काम करेगा या नहीं,
और वास्तव में सरकार इस बिल के माध्यम से किसका भला करना चाहती है, निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं। इस विषय से जुड़ी सभी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया।